हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। एक बार फिर से आ चुके हैं जिलेबिया पहाड़ में। इस बार इसलिए आए हैं, दोबारा आना पड़ा है क्योंकि अपडेट तो आप सभी को मिला ही था, लेकिन अभी जो है धूप होने के कारण देख रहे हैं कांवरिया भक्त कुछ ज़्यादा जो है ना चलते हैं, पर जो है विश्राम में रह जाते हैं धूप की वजह से। बहुत सारा जो है दुकानों में बैठे रहते हैं, और जब मौसम ठंडा होता है तो फिर यात्रा को शुरू करते हैं। और आज पहुँचे हैं जिलेबिया में झूले वाले बाबा के पास, झरना पहाड़ के पास, जीवलेश्वर महादेव के पास, और यहाँ पर कुछ जानकारी लेंगे। और आप सभी कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है नवरात्रि में एक बार दर्शन करा दीजिए यहाँ के गंगा मैया का। देंगे आप सभी को दर्शन कराएंगे, और देख रहे हैं इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही कांवरिया भक्त जा रहे हैं बाबा धाम में, और ये नज़ारा देख रहे हैं जिलेबिया पहाड़ का है। और सबसे ऊंचा और सबसे खड़ी वाली चढ़ाई पर जो ये आप सभी को देखने को मिलता है, ये वही नज़ारा है। और देख रहे हैं यहाँ पर चलते जा रहे हैं सबसे ऊँचे वाले चढ़ाई पर, बोलबम देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, और कांवरिया भक्त का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। नीचे भी आ रहे हैं तो अभी देखने वहाँ पर है, इधर पत्ते की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए बाबा आज विराजमान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है कि इस बार नवरात्रि में बाबा क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है बाबा का? बाबा का सब तैयारी है, जैसे जैसे भक्त भेजेंगे तैसे तैसे देवता जागेंगे। अच्छा, नहीं भेजा तो देवता सूतेंगे। अच्छा, जो सोएगा से उसका खोपड़ी खोल, मतलब बोला जा रहा था कि जो है बाबा से कुछ जानकारी क्यों नहीं लिए, वीडियो तो डाले बाबा को तो दिखाए, इसलिए आपसे इस बार जानकारी लेने के लिए आना पड़ा है। तो इस बार नवरात्रि में क्या हो रहा है, कहीं जाइएगा फिर यहाँ पर ही कुछ होगा भव्य तैयारी? नवरात्रि में यही करना है। अच्छा, क्या क्या तैयारी है? बस नौ गो लड़की जमाना है, सबको बाल बच्चा को सबको एक एक सीट कपड़ा दे देना, बस हो गया, और क्या देगा। अच्छा, इसका तैयारी कब होगा? सब आज से हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, चलिए इंतजार रहेगा उस दिन का। और फिर आप चलते हैं एक बार दिखाने के लिए। ये वाला जो है झरना का बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा था कि जो है एक बार दर्शन करा दीजिए गंगा मैया का। ऊपर आप सभी को जीवलेश्वर महादेव का भी दर्शन करा देंगे एक बार, पहले थोड़ा सा यहाँ का दर्शन कराते हैं। ये देखिए पहुँच चुके हैं गंगा मैया के चरणों में, और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला आज भी देख रहे हैं बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए है ना, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर गंगा मैया विराजमान रहती है, और काफ़ी तेज़ी से पानी जो है निकलता है। ये जल जो है ना बहुत ही मिठास वाला है, बिना जो है ना फिल्टर, बिना आरओ वाटर का, काफ़ी जो है अच्छा और शुद्ध पेयजल, बिल्कुल अच्छा है। और ये वाला देख रहे हैं अभी भी ढक के रखा गया है। तो वीडियो को करिए शेयर, कमेंट में लिखिए जय गंगा मैया की। और आगे चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं एक बार पहाड़ के ऊपर में चढ़ के महादेव का दर्शन कराते हैं, जिस जिस का आप सभी को बहुत ज़्यादा डिमांड होता है तो वो भाई पूरा करना पड़ता है। और नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कांवरिया भक्त आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा है, पर कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही रहा है। चलिए अब दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पहुंचकर। ये देखिए ये है ना यहाँ पर, महादेव की जय हो, जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। आप सभी को आज जो है दर्शन करा भी दिए महादेव का, जीवलेश्वर महादेव का। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, वीडियो को करिए शेयर। बाकी देख रहे हैं सारा दुकान चालू है, बहुत सारे कांवरिया भक्त जो है दुकानों में अभी विश्राम में भी हैं। ये देखिए महादेव यहाँ पर है, श्री राम जी यहाँ पर है। तो दोस्तों अब जो है जितना हो सका आप सभी तक अपडेट पहुँच गया, और इस चढ़ाई पर देख रहे हैं एक बार फिर से जो है बहुत सारे कांवरिया आ चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं भाई नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, नई नज़ारे के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी को जिलेबिया पहाड़ के सबसे ऊंचा वाला कांवरिया पथ से।